18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। लोकसभा के पांचवें चरण का मतदान शुरू हो गया है। कौशाम्बी में सुबह से ही मतदान करने के लिए लोगों की उमड़ रही है भीड़। जिलाधिकारी कौशाम्बी मनीष कुमार वर्मा ने कहा, जिले में हर जगह शांति पूर्वक हो रहा है मतदान। वोटिंग अपने निर्धारित समय से शुरू हुआ। सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। भाजपा से कौशाम्बी लोकसभा प्रत्याशी विनोद शंकर ने अपनी पत्नी के साथ चिल्ला साहबाजी में अपने मत का प्रयोग किया। मत डालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 2019 के बाद एक नया विनोद आपको दिखेगा। कौशाम्बी में अब तक 17% पोलिंग हो चुकी है। पहले तो आपने वोट कास्ट किया है, क्या कुछ मुद्दे आपके दिमाग में रहे हैं और किस तरीके से आपने वोट कास्ट किया है? सबसे पहले तो मैं कौशाम्बी लोकसभा के मतदाताओं से अपील करूंगा कि बड़ी संख्या में निकल के मतदान करें। आपका एक वोट राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ कौशाम्बी के निर्माण में आवश्यक है। पिछले 5 सालों में कौशाम्बी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। अब बारी है कौशाम्बी की आकांक्षाओं को पूरा करने। कौशाम्बी का जो गौरवशाली वैभवशाली इतिहास है उसको देश और दुनिया के पटल पर स्थापित करके कौशाम्बी जनपद की गरीबी बेरोजगारी पिछड़ा पद दूर करना और यहाँ के युवाओं को जो रोजगार के लिए पलायन है वो रुके। इसलिए मैं कौशाम्बी लोकसभा के सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूँ कि लोकतंत्र के महापर्व पे घर से निकले और कौशाम्बी के नव निर्माण में अपना योगदान। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में आए? मीडिया को भी ब्रीफ करते हुए आरोप लगाया कि ज्यादातर ईवीएम खराब है, वोट डालने में उनको दिक्कतें हो रही है। पूरे जनपद में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हर बूथ पे मतदान शुरू हो गया है। मॉक पोल अपने निर्धारित समय से शुरू हुआ था और एक दो जगहों पे जहाँ पे दिक्कत आई थी, वीवीपैट नहीं चल रहा था, कंट्रोल यूनिट जहाँ पे थोड़ी समस्या उत्पन्न कर रही थी वहाँ पे हम लोगों ने रिप्लेस भी करा दिया। तो पूरे ज़िले में पूरी तरह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी लगभग 20 से 25 केंद्रों पे मैं और कप्तान साहब स्वयं भ्रमण करके आए हैं और सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमण कर रहे हैं। पूरे जनपद में लगभग 10% से ज्यादा मतदान भी हो चुका है, शांतिपूर्ण चल रहा है और हमें उम्मीद है कि शाम। कैमरामैन बलराम साहू के साथ सुनील साहू की खास रिपोर्ट।